नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। झारखंड सरकार की द्वारा 100% अनुदान पे ये 7 बड़ी योजना का फॉर्म भराया जा रहा है, तो जल्द से जल्द इस योजना का फॉर्म भर दीजिए। यदि ये 7 प्रकार का योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं, यदि आप गरीबी रेखा के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो इस योजना का फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप इस योजना का फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि बच्चे से लेकर बड़े महिला पुरुष सभी के लिए है, बूढ़े तक के लिए इस योजना का फॉर्म भराया जा रहा है। तो आइए फॉर्म भरने का प्रोसेस को जानते हैं। फॉर्म कहां पे मिलेगा, हर एक चीजों का इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये योजना का लाभ झारखंड के काफी व्यक्ति ले रहे हैं, जिनको पता है वो इस योजना का फॉर्म भर रहे हैं और लाभ भी ले रहे हैं। ये सभी योजना का लाभ झारखंड के सभी गरीब व्यक्तियों को मिल रहा है, तो फॉर्म को जल्द से जल्द भर दीजिए, जिसमें आपको सभी योजना में अलग अलग योजनाओं में अलग अलग लाभ दिया जाता है। 5,000 से लेकर 2,500 रुपए तक अलग अलग योजनाओं में अलग अलग लाभ है, अलग अलग बेनिफिट है, सभी प्रकार का सहायता राशि झारखंड सरकार प्रोवाइड कर रही है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए यहाँ पे आप स्क्रीन पर देखिए, पढ़ाई से लेकर दवाई तक मुफ्त सरकार खर्च कर रही है आप सभी पर, झारखंड के गरीब व्यक्तियों पर, महिला पुरुष सभी वर्ग के लाभुकों पर खर्च कर रही है सालाना 27,000 करोड़ रुपए। और जो जागरूक है, जो इस योजना का लाभ लेना जानते हैं, वो सबसे पहले आवेदन करते हैं और आवेदन करने के बाद उनको लाभ भी मिलता है। जैसे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अभी 57 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को और बहनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं कुछ लाभुक ऐसे हैं जो कि आवेदन सही समय पर नहीं कर पाए थे, सही तरीके से नहीं कर पाए थे, जिस वजह से कुछ लाभुकों को समय पर पैसे नहीं मिल पाए और उनको लाभ मिलने में समय लग गया। उसी प्रकार से बहुत सारी योजनाओं का संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। तो योजना की बात करने से पहले आप यहाँ पे देखिए, आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत अभी तक 61.50 लाख परिवार निबंधित है। क्या आपका आयुष्मान कार्ड अभी तक बना हुआ है? नहीं बना हुआ है तो जल्द से जल्द बना लीजिए। राशन कार्ड के जरिए आप किसी भी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से बनवा सकते हैं या खुद से भी आप बना सकते हैं, और वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे उपलब्ध कराई गई है। अगला योजना की बात करें तो यहाँ पे देखिए, राशन कार्ड आपके लिए कंपलसरी है। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी भी प्रकार का योजना का लाभ गरीब व्यक्तियों को देती है। यदि आपको योजना का लाभ लेना है तो सबसे पहले आपको यह प्रूफ करना होगा कि क्या आप गरीबी रेखा की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए आपका सबसे बड़ा जो हथियार है ना, वो है आपका राशन कार्ड। तो यदि आपका नाम राशन कार्ड में दर्ज है, यदि आपका राशन कार्ड है, तो सभी प्रकार का योजना का लाभ, लगभग सभी प्रकार का योजना का लाभ आपको जरूर से जरूर मिलेगा। तो उसी प्रकार से आप यहां पे देखिए, जैसे कि धोती साड़ी योजना का लाभ दिया जा रहा है, सरकार राशन कार्ड वाले को ही दे रहे हैं। चावल गेहूं सारा कुछ राशन कार्ड वाले को ही दे रहे हैं। अबुआ आवास योजना का लाभ राशन कार्ड वालों को ही मिल रहा है। सम्मान योजना का लाभ राशन कार्ड वालों को ही मिल रहा है। आयुष्मान भारत, अबुआ स्वास्थ्य बीमा कार्ड राशन कार्ड वाले को ही मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे योजना है जो केवल राशन कार्ड वालों को ही योजना का लाभ मिल रहा है। पीएम किसान योजना का यदि आप नया आवेदन करते हैं, यदि आपके पास राशन कार्ड है, तो आपको स्वीकृति आसानी से मिल जाती है। नहीं है तो बड़ी मुश्किल होती है, शायद ना के बराबर आपको स्वीकृति मिलेगी। तो यहां पे देखिए, किसानों को खेती के लिए हर साल भारत सरकार खाते में पैसे भेज रही है, तो क्या ये पैसे आपके बैंक खाता में आ रहा है? यदि नहीं आ रहा है तो आप भी आवेदन कीजिए और इस योजना का लाभ लीजिए। बिजली विभाग के द्वारा यदि आप बिजली का कनेक्शन लेते हैं, तो आपके पास यदि राशन कार्ड नहीं है, तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि झारखंड सरकार का 200 यूनिट वाला योजना का लाभ लें, तो इसके लिए आपको राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है। राशन कार्ड के आधार पर जो आप बिजली का कनेक्शन लेते हैं, उसमें आपको सब्सिडी मिलती है, क्योंकि वही आपका यह प्रूव करती है कि आप गरीबी रेखा के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आइए अब जानते हैं योजना के बारे में। आप यहां पे देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा इन योजनाओं का आवेदन लिया जा रहा है। जो अभी तक नहीं किए, जल्द से जल्द कर दीजिए। पहला योजना आयुष्मान भारत कार्ड, यदि आप आवेदन नहीं किए तो आवेदन कर दीजिए, तुरंत आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है, यदि आपका राशन कार्ड नहीं है। दूसरा योजना आप यहां पे देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, नया आवेदन अभी भी हो रही है। यदि आप इस योजना का लाभ अभी तक नहीं लिए, 57 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को इस योजना का पैसे मिल रही है, हर महीने मिल रही है। इस महीने से 2,500 रुपए 11 दिसंबर से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इसका फॉर्म मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर ज्वाइन हो जाइए। हर प्रकार का फॉर्म आपको वहीं पे मिल जाएगा, तो फॉर्म को भर लीजिए एंड नजदीकी किसी भी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से अप्लाई कर दीजिए। आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक और एक पासपोर्ट साइज का फोटो, इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगने वाली है। अगला यहाँ पे देखिए, जो कि यहाँ पे है बच्चों के लिए, यदि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हर प्रकार का सुविधा, खाना से लेकर पढ़ाई निशुल्क मिल रही है, कपड़ा, पेंसिल, किताब, कॉपी, हर एक चीज आपको फ्री में मिल रही है। तो यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो विशेष तौर पर आपको कोई चीजों की जरूरत नहीं है, सरकारी स्कूल के सभी बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।
रहा है, राशन कार्ड का नया अप्रूवल हो रहा है। तो यदि आप अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, अपना खुद का राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, कोई खास प्रोसेस नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। आपका आधार कार्ड, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबका आधार कार्ड, और परिवार का मुखिया कोई भी महिला होंगे उनका आधार कार्ड के साथ साथ उनका जाति प्रमाण पत्र लगेगा और उनका बैंक पासबुक लगेगा। इतना ही डॉक्यूमेंट्स के सहारे आप नया आवेदन कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र के आधार पर यदि आप राशन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो थोड़ा जल्दी आपको मिल जाती है, आसानी से आपका अप्रूवल मिल जाती है। आप देखिए 42 लाख उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली मिल रही है, 200 यूनिट का फ्री बिजली मिल रही है, 200 यूनिट। अभी देखिए, अभी जो बिजली का रेट है वो 6 रुपए से भी ज्यादा हो चुका है, 8 रुपए बिजली का रेट होने ही वाली है। तो 8 रुपए आप गुना कीजिए, 8 गुना 200 कीजिए, तो आपका महीने का कितना का बचत हो रहा है, महीने का आपका 1600 रुपए का बचत हो रहा है। ये बिजली उपभोक्ता यदि आप इस योजना के अंतर्गत बन जाते हैं, बिजली सब्सिडी योजना का लाभ आपको मिल जाती है। ये तभी आपको मिलेंगे जब आपके पास राशन कार्ड होगा। यदि आप गरीबी रेखा की श्रेणी के अंतर्गत आते होंगे तो इस योजना का लाभ आपको बड़ी आसानी से दे दिया जाएगा। अब बात कर ले बच्चों के लिए, तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों के लिए जो सामान आपको उपलब्ध कराई जाती है, काफी गार्जियन को उनको पता ही नहीं है कि कितने सामान उनको उपलब्ध कराई जाती है, एंड ये आपको मिलेंगे कैसे, हर एक चीजों का इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पोशाक वितरण किया जाता है, 2 जोड़े पोशाक दिया जाता है, इससे कम मिल रहा है तो आप प्रधानाध्यापक को बोलिए। अलग अलग कक्षा में प्राथमिक विद्यालय के लिए ये है, उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए भी दिया जाता है 2 जोड़ा पोशाक, फुल स्वेटर एंड जूता भी दिया जाता है। यहाँ पे पोशाक के लिए 1200 रुपए दिया जाता है हाई स्कूल एवं प्लस टू में। उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए यहाँ पे देखिए 400, 2, 6, 7, 750 के करीब आपको मिल जाता है। स्टेशनरी के लिए यहाँ पे देखिए कि कॉपी किताब पेंसिल रबर कटर हर एक चीजों का सुविधा दिया जाता है। इतना ही नहीं, सभी बच्चों को साइकिल भी मिल रही है, क्लास ए के बच्चों को साइकिल भी दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, इसके अंतर्गत ये योजना आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कक्षा 1 से 5 तक के अंतर्गत 1500 रुपए दिया जाता है, 6 से 8 में 2500 रुपए, 9वीं से लेकर 10वीं तक 1500 रुपए, 11वीं से 12वीं तक 2300 रुपए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। इसके अलावे एक कल्याण के माध्यम से जो छात्रवृत्ति दिया जाता है वो पैसे आपका 1000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का छात्रवृत्ति योजना स्टूडेंट को दिया जाता है। अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फी होती है, जो आपका बोनाफाइड मिलता है आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी से उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो ये बड़ी स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है छात्रवृत्ति योजना के लिए। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल अभी भी ओपन है। यदि आप मैट्रिक से ऊपर के किसी भी क्लास के छात्र हैं, SC ST OBC के वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप मैट्रिक तक के स्टूडेंट हैं तो आपका प्राधानाध्यापक के द्वारा अप्लाई कर दिया जाता है। आपको पैसे वहीं से मिल जाती है, जो डॉक्यूमेंट्स आपका मांग किया जाता है वो आप वहां पे जमा कर दीजिए। अगला यहां पे देखिए वैकेंसी से रिलेटेड एक बड़ी आदेश आ गया है झारखंड सरकार के द्वारा। सरकारी स्कूलों में निजी जैसी सुविधाएं होंगी, शिक्षकों की बहाली जल्द होने वाली है, इसकी यहाँ पे अपडेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सह निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने की यहाँ पे पूरी चेष्टा की जाएगी और साथ ही यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। टीचर की वैकेंसी पूरे झारखंड के लगभग सभी स्कूलों में खाली है, तो यहाँ पे वैकेंसी की बड़ी मात्रा में जरूरत है, तो यहाँ पे इनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। बाकी अब वैकेंसी कब आएगी ये तो समय ही बताएगा। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन दिया कि आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो गया है, जितना जल्द हो सके आप खुद से बना सकते हैं। इसके लिए कोई फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ऑनलाइन सारा प्रोसेस होता है। राशन कार्ड के लिए भी अप्लाई हो रहा है, इसका स्वीकृति भी मिलना शुरू हो गया है, तो इसके लिए भी कोई फॉर्म की जरूरत नहीं होती है, ऑनलाइन सारा प्रोसेस होता है। तीसरा चीज की छात्रवृत्ति, इसके लिए भी कोई फॉर्म की जरूरत नहीं होती है, ये भी बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस होता है, तो आप इसका अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए एक बोनाफाइड और आपके पास जो भी कागजात है, आधार कार्ड, जाति निवासी आए, मार्कशीट, पासपोर्ट साइज का फोटो और एक पासबुक, इतना ही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स के सहारे आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए बिजली सब्सिडी के लिए। आपके पास यदि बिजली का कनेक्शन है तो इस योजना का लाभ आपको ऑलरेडी मिल ही रहा होगा, नहीं तो आप बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। 200 यूनिट से यदि कम का आपका खपत है, आप सरकार को कोई भी इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो आपको इस योजना का लाभ बड़ी आसानी से मिल जाएगा या मिल रहा होगा। आगे यहां पे देखिए पीएम किसान योजना का भी कोई फॉर्म की जरूरत नहीं होती है, पूरी तरह से ऑनलाइन इसका प्रोसेस है, आप इसका भी फॉर्म भर दीजिए। अगला है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसका आवेदन शुरू हो चुका है, नया आवेदन नया स्वीकृति, इसका फॉर्म आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसका फॉर्म लगता है 3 पेज का फॉर्म, आप डाउनलोड कर लीजिए एंड उसको भर के ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक है, वीडियो को देखिए कैसे आपको अप्लाई करना है सही तरीके से। अगला यहां पे पेंशन योजना का फॉर्म भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है। यदि आप किसी भी प्रकार का पेंशन योजना का लाभ लेने की योग्यता रखते हैं, जैसे कि विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी पेंशन योजना का योग्यता आप रखते हैं,
लाभ लेने का, उसके अनुसार से आप फॉर्म भर दीजिए। इसका स्वीकृति तुरंत आपको 5 से 10 दिन के अंदर ही मिलेगा। और आगे यहाँ पे देखिए कि आवास योजना का भी आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन के लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बना दिया है, पीएम आवास योजना का प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप वीडियो को देख लीजिए कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्लाई आप कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया वो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।